फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई ये वीडियो देखने वाली है, मैं नहीं देख सकूंगी। मैं ऐसे करके किसी तरह से देखूंगी। अब टाइटल बताती हूँ क्या है वीडियो का। सेविंग 4 पाइथन स्नेक्स। इसने ऐसा जकड़ा, ये क्या लिखा है, छुड़ाना मुश्किल हो गया। पाइथन तो यस, पाइथन तो आपको क्रश करके मार सकता है, ऐसे आपके लपेट के अंदर से प्रे को मार देता है वो। पाइथन का तो स्टाइल होता है वो, पाइथन अजगर देखते हैं। और एक भी नहीं, चार लिखा है। देखिए पाइथन कई बड़े भी होते हैं, कई छोटे भी होते हैं, तो छोटे छोटे पाइथन भी ला सकते हैं, उनको बचा सकते हैं, या ह्यूज वाले जो बहुत ही बड़े। नहीं, मैं तो ये सोच रहा हूँ पाइथन को क्या बचाना है, खुद को बचाओ। हाँ, मतलब अगर कोई फंस गए, क्या हो गया, पाइथन को बचाते बचाएंगे वो, पाइथन तो तुमको अगर अपने हैबिटेट से बाहर आ गए तो उनके हैबिटेट में वापस लेके जा रहे हैं। अच्छा चलो, डर डर के देखने की कोशिश करूंगी, ठीक है। पता नहीं कहाँ से ढूंढ के आप लोगों ने सजेशन भेजी है, बड़े मजेदार, जबकि आपको पता है मुझे सांपों से डर लगता है। नहीं, ये तो पाइथन है। चलो भाई, तो क्या पाइथन सांप नहीं होता, वो तो सबसे भयंकर सांप। कोबरा नहीं है, पाइथन है। मेरे को तो मेरे लिए सब एक जैसे हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, मैं हूं अमित, और आज गाइस आपको दिखाएंगे अजगर। जी हां गाइस, आज आपको दिखाएंगे पाइथन्स। गाइस अब आप लोग गैस करो कि हम लोग कहां आ चुके हैं। भाई साहब, फिलहाल हम लोग एक रेस्क्यू पर जा रहे हैं, अजगर के रेस्क्यू पर जा रहे हैं। कमेंट में बताओ कि हम लोग कहां पर होंगे, आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं। और इस वीडियो में दिखाइए किसी चीज को ट्राई मत करना। भाई सांप जो होते हैं वो बहुत ही खतरनाक भी हो सकते हैं। अगर आपको सांप को हैंडल नहीं करना आता तो भाई आप खुद को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो प्लीज ऐसा कुछ भी ट्राई मत करना। फटाफट से शुरू करते हैं। सब लोग वीडियो को लाइक करना जरूर करना। मैं तो कभी ना छू, तो जगह तो बता दो ताकि कभी वहां ना जाएं हम। गाइज, अजगर भारत में पाया जाने वाला सबसे बड़ा सांप होता है, जो कि 15 फीट से भी ज्यादा लंबाई का हो सकता है। 15 फीट, और इनका जो वजन है वो 100 किलो तक भी जा सकता है। अजगर नाम ही अजगर है। हम लोग गाइस स्नेक्स में एक्सपर्ट नहीं है, हमको थोड़ी बहुत नॉलेज है, लेकिन इस काम के लिए हमारे साथ में रहेंगे स्नेक एक्सपर्ट गुड्डू मौर्य जी, जो कि यहाँ पर है। और भाई ये एक्सपर्ट है, आप सभी इनको जानते हैं। थैंक यू वेरी मच हमारी हेल्प करने के लिए इस चीज में। चलिए, हमारा सौभाग्य है कि हम यो भाई इतने दूर से आए हैं, और हम मतलब इनके बहुत ही आभारी हैं। ना जी, थैंक यू वेरी मच, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात है, जो कि आप जानवरों के लिए कर रहे हैं और इंसानों को बचाने के लिए भी कर रहे हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं एक पाइथन के रेस्क्यू पे। पाइथन को हिंदी में क्या बोलते हैं, अजगर ही बोलते हैं। अजगर बोलते हैं, और हमारे इधर लोकल भाषा में भी चित्तायन उसको बोलते हैं। क्या? चित्तायन, जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ के लोग बोलते हैं चित्तायन है। ओके, अच्छा, अभी हमारे पास में दो पाइथन रेस्क्यूज हैं। कल हमने बात करी थी सर से, तो कल जो है एक ही रेस्क्यू था, लेकिन आज एक और रेस्क्यू कॉल आ चुका है। और गाइस, इसलिए हमारी किस्मत और बढ़िया हो चुकी है। दो अजगर देखने को मिले भाई। हम लोग पता है लगभग 900 किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ पर आए हैं। गाँव का इलाका लग रहा है, होते हैं ये तो अच्छी प्रॉब्लम यहाँ आ गया होगा। सभी ने जू में देखे होंगे पाइथन। पाइथन तो कॉमन। हम लोग जा रहे हैं अभी रोड पे, चले जा रहे हैं, और जहाँ से हम निकले थे वहाँ से लगभग ये क्या कर रहे हैं उस पे 65-70 किलोमीटर की दूरी, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, इतना दूर हमको जाना है पाइथन को रेस्क्यू करने के लिए। ड्रोन चला रहे हैं उससे। ड्रोन चला रहे भाई, अभी 50 किलोमीटर दूरी और बचा हुआ है, और हम लोग बीच में रुके थे जस्ट पानी वानी पीने के लिए और थोड़ी चाय पीने के लिए, क्योंकि बहुत दूर जाना है। इनको डर नहीं लग रहा है सोच के? मैं तभी से हाथ पैर कुछ इनसे तो बात ही मत करे, तो जाके सांप को ढूंढ रहे थे, वो कहानी बताऊंगी, पता नहीं बताई भी है मैंने, शायद शेयर की होगी। तो गाइस ये जो है एक अलग ही एडवेंचर वाला भी एक्सपीरियंस रहेगा मेरे लिए, भी एक नई चीज रहेगी। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली। गाइस इंडियन रॉक पाइथन को रेस्क्यू करने से पहले सर से कुछ चीजें पूछ लेते हैं, जो बेसिक्स हैं।
तो सर आप हमें ये बताइए कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि हमें रेस्क्यू करते टाइम ध्यान रखनी पड़ेंगी। पहले आपको रेस्क्यू करना पड़ेगा। ओके, डरना नहीं है भले कितना भी बड़ा सांप हो। इतना भी बड़ा सांप हो, सही बात है। दूसरी बात, मैं तभी से डर रही हूं। पहला आपको उससे हरेसमेंट नहीं करना है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। तो आपको डर नहीं लगता अजगर वगैरह पकड़ते टाइम पे? अगर डर लगता तो ऐसा काम करते हम लोग। सही बात है। कितने अजगर पकड़े होंगे आपने आज तक? टोटल मान के चलिए हम लोग 50 प्लस। ओ भाई 50 से ज्यादा अजगर जो है वो गुड्डू सर ने पकड़ के छोड़े हैं। क्या बात है, चलो चलो करते। आपने कभी देखा था जी यहाँ पे सांप? हाँ बहुत निकलते। नहीं कब देखा था आपने? अभी तो रात में जब भूसा पर देखा रिकारी तो बहुत पहले वीडियो देखी थी, जाकर के मिला। अच्छा। और वहाँ गुड़ुरा के पूरा बैठा है। और भाई मुझे आगे आगे दिया गया है सबसे। अच्छा यहाँ पे है भाई, एकदम अंधेरा कमरा है भाई। यहाँ पर जो अजगर है उसका थोड़ा सा हिस्सा दिख रहा है, इतना सा पार्ट दिख रहा है। एक बात बताओ, इस सांप को पता है कि हम यहाँ पे हैं? आपको क्या लगता है? उसका मन तो कोई नहीं पढ़ सकता। एक्चुअली में देखिए अभी इधर तो वो तो सांप घर में रहते जा रहा है। फ्रीक्वेंसी तो मतलब जब ऐसे करते हैं ना उसको पता चलता है कि कोई है। ये काट भी लेता है ना? ये का है? अच्छा क्या हो रहा है? काट लेता है। यहाँ पे कोई सांप नहीं है। अगर काटेगा जब तो हम निकलेंगे पहले। ये इसने इकट्ठी भी करके रख दी है। मतलब क्या होता है ना कि जब ये ऐसे जगह पे निकालते हो कि उनका एक खुरदुरा था और वहीं अटक जाता, वहीं अटक गया था और पूरा वहीं से निकल जाता है। निकल के अपना केचुली में इतना वजन है कि जैसा नॉर्मल स्नेक में होता है ना, वुल स्नेक या उस सांप में, उतना तो इसके अंदर है। उसके जो स्किन है, जो डेड स्किन है। अजगर जो होते हैं उनमें जहर नहीं होता, यानी कि वेनम नहीं होता, जहरीले सांप नहीं होते अजगर। अंदर नहीं है क्या? ऐसे बैठ के बातें कर रहे हैं, करके अपने शिकार को मारते हैं। तो भाई मैं आपको भी दिखाना चाहता हूँ, और मैं सीढ़ी पे चढ़ रहा हूँ फिलहाल आपको पाइथन दिखाने के लिए। तो गाइस ये अजगर यहाँ पे, और आप लोग देख सकते हो इसका मुंह भी मुझे दिख रहा है, ये मुंह भी कर रहा है। और भाई मैं इसको ज्यादा छेड़ना नहीं चाह रहा। देखो मैं यही हूँ, अगर आपको लग रहा है मैं और कहीं हूँ, भाई यही हूँ। और ये रहा अजगर, तो आप निकालेंगे? मैं भी निकाल दूंगा ऐसे तो, पर मेरे को थोड़ा दग दग हो रहा है। और भाई अटैक मोड में है पूरा, ऐसे करके ऐसे एस बनाते दूसरे साइड जाने की जगह नहीं है। अगर नहीं है तो मैं आराम से, आई डोंट केयर। नहीं मजाक कर रहा हूँ मैं आपसे, आप सीरियस मत लेना। डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। उसने अटैक किया भाई, अटैक किया, अटैक मतलब अवॉइड करने की कोशिश करी, अटैक किया इसने। आपके लगी तो नहीं कहीं पे? मुझे लगी, बाल पे मारा, पकड़ा भी होगा बाल को। एकदम अटैक मोड में बैठा हुआ है। अच्छा काट नहीं सकता ना? भाई अजगर आ चुका पकड़ में, चलो बाहर चलते हैं। उल्टी जैसे पानी पीना। गाइस जो सांप होते हैं वो अपने आप को बचाने के लिए स्मेल छोड़ते हैं, तो अभी ये स्मेल छूट रहा है। अब इसको थोड़ी तकलीफ भी हो रही होगी इसको ऐसे पकड़ के, है ना? हाँ, लेकिन गाइस ऐसे पकड़ना इसको जरूरी था। अब इसको बाहर लेके चलते हैं ताकि हम इसको थोड़ा सा फ्री कर सके। इसको टच कर लूं मैं एक बार? बिल्कुल। गाइस अजगर को छू के आया हूँ मैं, अजगर को छू के। हाँ छू के निकल गया मैं। आप लोग तो इसको पहचानते ही होंगे, आपकी लोकल भाषा में चित्तार बोलते हैं, इंग्लिश में राफ पाइथन, हिंदी में अजगर। ये बिल्कुल भी जहरीला नहीं होता। अभी तो ये बहुत बड़ा होगा, इसका साइज छोटा है। भाई अब आपको दिखाएंगे अजगर के दांत, बाइट कर सकते हैं। अरे देखिए इनके दांत ऊपर और नीचे दोनों बाइट कर सकते हैं, सारे और इतने शार्प है ना, एकदम पैने, मतलब इतना पैना कोई कांटा नहीं होता, कुछ नहीं होता जितने पैने इसके दांत हैं। बहुत स्ट्रांग है भाई, हमें काटा है भाई, देखा है। फिर आपने कैसे छुड़ाया इसको? बस तीन जन लगे छुड़ाने में, सिर्फ तीन जन लगे, तीन लोग लगे छुड़ाने में। करते करते उसको पकड़ा, लेकिन डाल तो दो। तो भाई मैं फिलहाल एक पाइथन को उसके मुंह से पकड़ के खड़ा हुआ हूँ। तो गाइस अभी जो इंडियन रॉक पाइथन है लगभग 7-8 feet होगा ना। और गाइस अच्छी बात ये है इस सबके बीच में कि हमने इसको सक्सेसफुली रेस्क्यू भी कर लिया है, इसकी भी जिंदगी बचेगी और किसी और को भी कोई नुकसान नहीं होगा। ये एक साल का ही बच्चा है भाई, तुम बचाने आए हो, इसके 49 साल बाकी हैं, तो वो ही अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में रहेगा। दोस्तों ये जो सांप है ये कुंडली मारता है और तब अपने शिकार को मारता है, जैसा की इसने अभी मेरे हाथ पे कुंडली मार रखी है। और ये जब इसका मन करता है ना ये ऐसे इसको देखो ऐसे खींचता है, देखो ये जैसे घूम रहा है ना, और ये प्रेशर लगा देता है बहुत तेज,
कुत्ता वगैरह है जैसे छोटा जानवर है तो उसको ये दबा करके मार देता है। अभी इसका शिकार शायद चूहे या छोटे जानवर होते होंगे, जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये बकरियों को, नीलगाय के बच्चों को या जंगल में रहने वाले किसी भी ऐसे जानवर बड़े वाले को भी मार सकता है। इसकी बॉडी के ऊपर आप ये टेक्सचर देख सकते हो, मतलब ऐसे डायमंड शेप के या स्क्वायरिश शेप के जो है ऐसे पैटर्न है व्हाइट कलर का, जैसे टाइल्स होते हैं ना गाइस। कितना खूबसूरत है ये सांप। सांस लेने के लिए इसके पास दो तरफ जो है नाक है, ऊपर की साइड दिखेगा आपको वो छोड़ क्यों दिया? इसको हम निकाल के लाए थे यार, और अब इसकी लंबाई दिखेगी अपने को। और ये जो है डराने की भी कोशिश कर रहा है कि मुझसे दूर हट जाओ, इतना तेजी से अटैक करता है ना, बहुत तेजी से अटैक मारता है। देखा अटैक मारता बोला था मैंने, उसे बाइट करता हूं भाई, मम्मी ये बाइट कर रहा है। तो भाई अजगर को हम लोग डाल रहे हैं इसके बैग में ताकि हम इसको ले आ सके। और भाई अंदर, भाई ये जो काम है एक्सपर्ट्स के लिए है, आप प्लीज इस वीडियो में दिखाइए, किसी भी चीज को किसी भी तरीके से ट्राई मत करना। तो भाई ये है अजगर, अपने घर में से हमको अपना अजगर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गाइस देखो हम तो थोड़ा बहुत मजाक भी कर लेते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि एक बेजुबान की जो जान है वो भी यहाँ पर बचती है रेस्क्यू करने में। तो भाई अजगर को रखते हैं अपनी गाड़ी में ऐसे, अब इसको छोड़ें। मेरी हालत देखी है, पता नहीं मुझे अपना होश अच्छा ही नहीं है। था मैं तो कुछ नहीं बोलने वाली, नहीं अच्छा था बेचारे को पकड़ लिया, अब जाके जहाँ उसके हैबिटेट है उसमें छोड़ देंगे। रावनी था डरा और पॉइजनस नहीं होते, इसे बाइट कर मैं सकते तो हैं सब बहुत चेस। मेरा तो और किसी को क्रश करके बाद में खा जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा था। काफ़ी अच्छा है कि वैसे टच करने में डिफ़िकल्टी होती है, इतना आसान नहीं होता। अगर किसी ने पहली बार टच किया उसे थोड़ा अजीब सा लगता है, और बट यहाँ पे कई पेटिंग जूज हैं, जू हैं जहाँ पे स्पेशली लेके आते हैं स्नेक्स को कि आप टच कर सकते हैं। ऋषि ने, ऋषि ने कई बार ही टच किया, उसको नहीं होता। और मुझे, और मुझे मुझे याद है मेरे पास जब वो लाए थे कि आप भी टच करो, मैं तो वहां से भागी, मैंने कहा मैं पास भी मत लाना। और यहाँ पे कईयों के पेट्स भी होते हैं। ये ही नहीं, हम जहाँ कोलोराडो में पिछली जगह जहाँ रहते थे ना, हमारे जो साथ वाले पड़ोसी था वो मुझे, उनके पास दो कुत्ते और एक सांप था। और वो मुझे बोल, मुझे पता नहीं था, मुझे लगता था सिर्फ दो कुत्ते हैं। वो जब बात मिले एक दिन पार्क में, तो बोला कि भैया हमारे वो जो है सांप जो है वो पता नहीं गुम हो गया या कुछ, वही बोले थे ना कि वो मिल नहीं रहा है। तो मैं इतनी घबरा गई, मैंने कहा उनके घर में ही था कहीं, उनको पता नहीं था कहाँ चला गया। हाँ। मगर उनको घर मैं उसके बाद भैया ना लॉन्ड्री करने अपने वहां वॉशिंग मशीन में जाऊं, मेरे सब जगह मुझे लग, हाँ वो ये कहती थी, मैंने कहा मगर बाइट जरूर कर सकता है अपने प्रोटेक्शन के लिए। उसके बाद जो मेरी जान निकली थी ना, मैं क्या बताऊं, मेरे को फोबिया हो गया था। मैं बाथरूम में जाऊं तो मुझे लगे कहीं इस कोने में ना हो, मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने के लिए जाऊं, मुझे मेरे दिमाग में हो कि मैं खोलूं और उसके अंदर वो एक बार तुम्हारे घर में भी आ गया था सांप। हाँ, पर वो छोटा था और वो मैं आलू के अंदर था, आलू के अंदर, और मैं हाथ डाला और मेरे को कुछ ऐसा फील हुआ था, मेरे को अभी तक याद है। ज़्यादा बड़ा नहीं था, इतना बड़ा था, पता नहीं कितना, इतना बड़ा था वो, इतना बड़ा सा। मैं तो सिर्फ टच करके, ओ तो ये मुझे तब बोलते थे इतना सा था, झूठे कहीं के, इतना था, इतना था, और ऐसे इतना बड़ा था। एंड ही लाइड, मगर आज बता रहे हैं उसके बारे में स्टडी किया था, वो हार्मलेस है, चले जाते हैं, उनको बाय बाय कर दी थी उस सांप को। क्यों, एक वीडियो भी तो हमने बनाई थी जिसमें ऋषि वो सांप वो पार्क में गए थे अभी रिसेंटली, और वहां पे उस सांप को मैं उसे कहूँ इधर आ जा, उसके पास जा रहा है कि मेरे को देखना है सांप, मैंने कहा देखने की चीज नहीं, काट लेगा, इधर आ जा। उसके बाद मैंने इनको बताया, ये अपना सोते ही रहे, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, बाप बेटा एक जैसे। चलिए बहुत अच्छा था, इन्होंने बहुत अच्छा दिखाया, रेस्क्यू किया इन्होंने सांप को, वेरी नाइस टू सी। एंड ही वाज नॉट स्केयर्ड, कोई भी इनका टीम का स्केयर्ड नहीं था यार, क्योंकि पकड़ के भी रखा, बोरी में भी डाल लिया, लेके अपनी गाड़ी में जा रहे हैं। बिल्कुल, मैं होती ना मैं कहती गाड़ी में डाल लो, मैं तो गाड़ी में चढ़ने ही नहीं वाली हूँ, इसके बाद वो गाड़ी जाएगी तुम लोगों के साथ, मैं नहीं होंगी उसमें, सच्ची बता। चलो भैया चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही जल्द मेरा हालत बुरी हो रही है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।